रेड लाइन सिर्फ अवाम लगाते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से अवाम को मौका दें रेड लाइन लगाने का। और अवाम को मैं ये कहता हूँ कि आपने कभी किसी को रेड लाइन लगाने इसलिए नहीं देना क्योंकि इसका मतलब कि जमहूरियत ख़त्म होगी पाकिस्तान में। इसका मतलब तो आप फैसला कर लें कि जमहूरियत ख़त्म है। आज अवाम हैं इस कौम के वारिस अल्लाह के बाद। अवाम का फैसला है कि वो किसको मुंतखब करते हैं और किसको नहीं करते। जो भी ये कहता है कि किसी भी सियासतदान के ऊपर रेड लाइन लगा दी है या काटा मार दिया है, पहले तो ना उनको सियासत की समझ है, ना उनको इस मुल्क की तारीख की समझ है, ना उनको दुनिया की तारीख की समझ है, और ना ही वो ये समझते हैं कि रेड लाइन से सियासतदानों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। नहीं तो मुजीबुर्रहमान ख़त्म हो जाता, नहीं तो अकबर बुगती के कत्ल के बाद जो तबाही मची है अभी बलूचिस्तान में, आज तक हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं, वो ना देते। और ये MQM को जो बनाया गया था और कराची को तबाह किया गया था तो वो पीपल्स पार्टी के ऊपर रेड लाइन लगा के किया गया था। फिर MQM के ऊपर रेड लाइन लगा के तो हकीकी बनाई गई थी, और कराची जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल था उसकी तबाही हुई थी।